नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर्स में शुमार बमन ईरानी के घर से एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। दरअसल 94 साल की उम्र में बमन ईरानी की मां का निधन हो गया है। उनकी मां का नाम जेर ईरानी था और 94 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और इस बात की जानकारी खुद बमन ईरानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। उन्होंने बाकायदा एक बहुत इमोशनल पोस्ट अपनी माँ के लिए साझा किया है और क्या कुछ लिखा है बमन ईरानी ने, ये आपको मैं पढ़कर बताती हूँ। माँ ईरानी का आज सुबह नींद में निधन हो गया। वो 94 साल की थी। उन्होंने मेरे लिए माता पिता दोनों की भूमिका निभाई है। जब वो केवल 32 साल की थी तब से अब तक वो क्या शानदार इंसान थी जो छोटी छोटी मजेदार कहानियों से भरी थी। जब उन्होंने मुझे फिल्मों में भेजा तो वो शाम में सुनिश्चित करती थी कि कंपाउंड के सभी बच्चे मुझसे मिलने आए। वो बोलती थी कि पॉपकॉर्न लाना मत भूलना, उन्हें खाना पसंद था और अपने गाने भी। वो विकिपीडिया पर फैक्ट चेक करती थी, साथ ही IMDB के फ्लैश देखा करती थी। वो हमेशा कहती थी कि मुझे तुम केवल इसलिए एक एक्टर नहीं हो जहां लोग तुम्हारी सराहना करेंगे, तुम एक एक्टर इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों को हंसा सकते हो, लोगों को हंसाया करो। बमन ने आगे लिखा कि कल रात उन्होंने मलाई कुल्फी और आम खाने के लिए मांगा। वो चांद सितारे भी मांग सकती थी। वो थी, वो है और वो हमेशा रहेंगी एक सितारा। बता दें, बमन ईरानी की मां के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सेलेब्स भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं और बमन ईरानी को सांत्वना दे रही हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे किरदार बमन ईरानी ने निभाए हैं जो शायद ही कोई और एक्टर निभा सकता था। और एक बहुत सेकेंड इनिंग आप कह सकते हैं बमन ईरानी ने जिस वक्त अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की, उसके बाद उन्होंने जो जो किरदार निभाए हैं उसका श्रेय वो अक्सर अपनी माँ को देते हुए ही नजर आए हैं। खैर, हम भी दुआ करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी से निकलने में बमन ईरानी को भगवान मदद दे।